बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इजी कुक बे बख्तावर में आलू चना चाट की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चाट बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं। आलू मैंने यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का लिया है। उसको बॉयल करके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट के शामिल किया है। यहाँ पे मैंने चने लिए हैं एक कप। चनों को मैंने, आप चाहे तो प्रेशर में इसको बॉयल कर लें 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए। अच्छे से मैंने इसको गला के चनों को इसमें शामिल कर लिया है। काले चनों की निस्बत सफ़ेद चनों की चाट बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। यहाँ पे मैंने अब इसमें चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है दरमियाने साइज़ का। टमाटर शामिल कर लें एक अदद मीडियम साइज़ का। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ धनिया शामिल किया है। हरी मिर्चें शामिल की हैं 3 से 4 अदद, छोटी छोटी बारीक चॉप करके वो शामिल कर लें। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, मतलब कि हाफ कप आप इसमें दही का ऐड कर लें। अब इसमें यहाँ पे मैंने होममेड चाट मसाला ऐड किया 1 टेबलस्पून, नमक ऐड किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक शामिल कर लें। इमली की चटनी आप इसमें ऐड कर लें 1.5 टेबलस्पून। लेमन ऐड किया है, लेमन जूस आप यहाँ पे ले लें 1 टेबलस्पून ले लें। बहुत ही चटपटे से हमने आलू चने बनाने हैं, आलू चना चाट तैयार करनी है। अब अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि तमाम मसाले और जो इसमें इमली की चटनी ऐड किया है अच्छे से मिक्स हो जाए। वन टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें और दही के ऐड किए हैं। लास्ट पे मैंने इसको चाट मसाला यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल किया है। यहाँ पे मैंने ली है होममेड उबाने की चटनी, चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसे, आप घर पर तैयार करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपनी फैमिली में और अपने फ्रेंड्स में। बहुत ही जल्द नई और आसान सी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।